घाटी में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भी दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में दो सरकारी स्कूलों को आग के हवाले कर दिया गया। एश मुकाम के जवाहर नवोदय विद्यालय में आतंकियों ने आग लगाई। वहीं काबा मार्ग स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को भी आग से भारी नुकसान हुआ है। कश्मीर में जारी हिंसा के बीच यह 25वां शिक्षण संस्थान है जो आग की चपेट में आ चुका है। इन 25 संस्थानों में से ज्यादातर स्कूल सरकारी हैं और दक्षिण कश्मीर में ही स्थित हैं। पिछले 24 घंटों में स्कूल में आग लगाने की ये तीसरी घटना है, जबकि पिछले 7 दिनों में 7वीं घटना। 3.5 महीनों में कश्मीर घाटी के हर जिले में कम से कम एक स्कूल जलाया गया। स्कूल जलाने की घटना के पीछे अलगाववादियों और आतंकवादियों का हाथ बताया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्कूलों को जलाने की घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये बच्चों के भविष्य को तबाह करने की साजिश है। पिछले 112 दिन से जारी हिंसा की वजह से घाटी के स्कूल बंद पड़े हुए हैं। इस हिंसा में अब तक 92 लोग मारे जा चुके हैं। स्कूलों के लगातार बंद होने से बच्चे और अभिभावक खासा परेशान हैं। जाहिर सी बात है कि अलगाववादी और आतंकवादी चाहते हैं कि राज्य के बच्चे पढ़े लिखे नहीं और राज्य में बेरोजगारी बढ़े, जिसके चलते उन्हें आतंक और अलगाव की राह पर आसानी से धकेला जा सके। और यही वजह है कि अब राज्य के कट्टरपंथियों ने स्कूलों के बंद होने के बाद मदरसों में सक्रियता बढ़ा दी है। देखते रहिए टीवी लाइव।